subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. कविता, आज जो शेयर हमने चुना है वो बेसिकली एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है दीवान हाउसिंग फाइनेंस। दीवान हाउसिंग फाइनेंस ये बेसिकली एक वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंसिंग कंपनी है जो ज़्यादातर टायर टू और टायर थ्री मार्केट्स में ऑपरेट करती है। इस कंपनी की खासियत ये है कि जो टिकट साइज है वो छोटा है और ये ज़्यादातर टायर टू टायर थ्री सिटीज़ में ऑपरेट करने के कारण इनका जो बेस है वो ज़्यादातर रिटेल रिलेटेड है। हालांकि इसमें कॉरपोरेट कस्टमर्स भी है, बेसिकली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, बट ज़्यादातर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्टेबल है। इनफैक्ट हमने देखा है कि लगातार लास्ट 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए जो लोन बुक का ग्रोथ है वो करीबन 18 से 20% का ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी स्टेबल है, करीबन 2% ग्रॉस लेवल पे और 1.4-1.5% नेट लेवल पे है। कंपनी ने अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट काफ़ी हद तक कम की है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में हालांकि मार्केट्स को एक कंसर्न है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो इस कंपनी को थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा, तो हमको लग रहा है कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स अगर 50 से 100 पॉइंट भी बढ़ते हैं तो इनके लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे ज़्यादा फर्क आने की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि कंपनी ने जिस प्रकार की एसेट लायबिलिटी जो मिसमैच हम कहते हैं वो मैनेज किया है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा है और इस हिसाब से हमको लग रहा है कि जो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ है आने वाले 2 साल में कम 18 से 20% की उम्मीद है। हमको लग रहा है कि कम से कम 28 या 29 रुपए का ईपीएस FY19 और करीबन 35 से 36 रुपए के अर्निंग्स FY20 के लिए आने की उम्मीद है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा जरूर गिरा है बट निवेशकों को अगर 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करना है तो ये डेफिनेटली एक वेल पोजिशन प्ले है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में, जो आगे भी हमको लग रहा है एफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा सकता है। तो ये स्टॉक जरूर खरीदने की राय रहेगी। यहाँ पर टारगेट प्राइस 12 से 15 महीने का करीबन 640 है। चलिए, 640 का टारगेट रेकर डी एच एफ एल में आप खरीदारी कर सकते हैं और एक साल का समय आपको कम से कम स्टॉक को देना होगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपके तमाम सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में।